गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। इस बार से कितना किसका नीचे गिरता है बोल। Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about youth. Drinks more late. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 7 o'clock हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से हम लोग का इधर शटडाउन है, तो घर में सब कोई। और इधर पास में मेरा बेटा, ये मेरा बेटा सोया है और बेटी घर में नहीं है। बेटी गया है उसका मामा के घर, तो मेरा जो आंटी आते हैं काम करने के लिए तो आज नहीं आएंगे। आज मतलब 7 दिन के लिए आंटी का भी छुट्टी। तो इधर कोरोना वायरस निकला है मेरे घर के पीछे, तो इसीलिए पूरा शटडाउन। घर के बाहर कोई भी एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1 week हो गया मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि मेरा तबीयत अच्छा नहीं था। मैं सोच रही हूँ मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हुआ है कि बाबा मतलब ठंड लग गया है और आंटी आता नहीं है घर में काम करने के लिए, तो सब कुछ काम, घर का जो काम होता है सब कुछ काम मुझे ही करना पड़ता है। और अभी मेरा बेकरी बंद है। और गाइस, घर के अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, कब जाएगा ये कोरोना वायरस अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी सुनो न्यूज में और किसी का मुंह में कोरोना वायरस अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी मुझे उठना है और घर का काम स्टार्ट करना है, तो क्या क्या काम करती हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किस किस का हस्बैंड इस तरह घर में हेल्प करते हैं, घर में कितना आलू स्टॉक है इधर है, और इधर प्याज बहुत सारे स्टॉक है। इधर अभी इधर शटडाउन हुआ है और मुझे थोड़ा हेल्प ही हो गया। अभी करंट नहीं है, घर का सब कुछ काम खत्म करके मैं नहा के आ गई हूँ और अभी रोटी बनाऊंगी, रोटी और आलू भाजी होगा, तो ब्रेकफास्ट में रोटी और आलू भाजी खाएंगे। तो ये एक ही रोटी खाऊंगी, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दिया मैं, इस खाली रोटी मुझे अच्छा नहीं लगता है। और इसके अंदर ये थोड़ा सा आलू भाजी, इस तरह रोल करके खा लूंगी। रोटी बना चुकी हूँ, उसके बाद करंट आ गया, ये रोल में खाऊंगी। हाँ करंट इससे तो ओछ मजा नहीं लाइट करंट तो आ गया। तो ये रोटी के साथ ये आलू भाजी रोल जैसा हो गया। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी मुझे थोड़ा सा पीना है ये दूध, गिर गया क्योंकि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है। आज भी थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है मुझे, इधर गिर गया।
थोड़ा सा करके इस तरह काम बढ़ जाता है। और अभी मुझे करना है फ्रिज के अंदर मेरा यहाँ पर फिश है और यहाँ पर चिकन है। तो कल फिश खाए थे हम लोग, तो आज बनाऊंगी चिकन। तो ये चिकन के अंदर बर्फ जमा हुआ है, बाप रे। थोड़ा सा इसके ऊपर पानी दे देती हूँ। ये चिकन कुकिंग करूंगी आज लंच में। तो ये आइस थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए उसके बाद मैं सब कुछ रेडी करूंगी। ये दूध पी लेती हूँ। तो चलिए घर में कौन कौन क्या क्या करते हैं दिखाती हूँ। इधर है आर्यन माइती, लैपटॉप पर बिजी है। और आर्यन का पप्पा कहाँ है? ओ इधर, पंडित मसाई इधर। अभी तो शटडाउन है और काम वाम तो कुछ नहीं है घर में, तो क्या करेंगे इस तरह खाना वाना खा के। अरे किसर हुई है ना, किसर वो यारा? गोलपुर वही ना की। तो देखिए शायद मुझे इस तरह सोना पड़ता तो लंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ खाना खाओ सो जाओ। तो आज थोड़ा सा मैंने बालों को शैम्पू किया हूँ तो मुझे जैसे बुकर बुकर लग रहा है अभी भी। तो ये कोरोना वायरस को ना बहुत डर लग रहा है। तो इधर नहीं था, बहुत जल्दी से बढ़ गया इधर हम लोग का आसपास में, बहुत कोरोना वायरस हो गया। कत हो गो 26 आदमी को हुआ है पॉजिटिव। तो मेरा घर के पीछे एक जो फ्रूट्स बेचते हैं ना उनको हुआ है, जो आंटी मेरा बेकरी में काम करते आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, तो उनका घर के पास, इसीलिए सबको मैं मना कर दिया घर में आने के लिए। जो आंटी और जो सुबह जो आंटी काम करते करने के लिए आते हैं घर में, सबको मना कर दिया। बहुत डर लग रहा है गाइस। हाँ घर का झाड़ू मोछा मैं ही करती हूँ। क्या करे घर में बैठ बैठ के। और मेरा घर का सामने मैं दिखा रही हूँ, चलिए हमारे जो गाड़ी है ना घर के अंदर ही है, देखिए दो गाड़ी। ये जो मेरा स्कूटी, यहाँ पर मेरा हस्बैंड का जो बाइक, सब कुछ घर के अंदर है। और मेरा बेकरी रूम पूरा सुना सुना लग रहा है, पूरा साफ सुथरा करके सब कुछ ऑर्गेनाइज करके आंटी गया है। कब खुलेगा ठीक नहीं, सब कुछ बंद है। तो आज लंच में हम लोग खाएंगे राइस और चिकन कोसा। तो चिकन कोसा के लिए ये चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखी हूँ, आधा घंटा हो गया चिकन मैरिनेट कर चुकी हूँ। तो ये चिकन मैरिनेट में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और दही, मिर्ची पाउडर और अनियन सब कुछ एक साथ मिक्स कर दिया। और पोटैटो को भी, कच्चा पोटैटो को मैं पोटैटो फ्राई नहीं करूँगी, तो इसीलिए कच्चा पोटैटो को भी चिकन के साथ मैरिनेट कर लिया। और नमक भी डाल दिया हूँ। तो अभी सिर्फ इसको जिंजर और गार्लिक के साथ कढ़ाई में कोसा कोसा जैसे बनाऊंगी। ये कढ़ाई में जो ब्लैक लगा है, ये कढ़ाई और जो ब्रेकफास्ट में हम लोग रोटी और आलू भाजी खाए थे ना, तो ये आलू भाजी बनाए करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा ब्लैक हुआ है। तो इसको और मैं धोया नहीं। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट,
इधर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा दिया हूँ क्योंकि मेरीनेट के टाइम में दिया हूँ। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अभी इसको एक कढ़ाई में डाल दूंगी। इसमें अभी थोड़ा सा ये नमक दे दूंगी, मसाला के साथ नमक नहीं दिया था तो अभी दे दिया हूँ। तो मसाला रेडी, अभी मुझे देना है ये मेरीनेट चिकन। और जो बाउल में मैं चिकन मेरीनेट किया था वही बाउल को अच्छे से धो के इसका जो पानी चिकन में डाल दूंगी। इसको इस तरह लगा दूंगी। तो चिकन रेडी इधर, और चिकन का खुशबू इतना सुंदर आ रहा है तो मुझे भूख भी लग गया है। और अभी 2 बज गया है और ये लंच करने के बाद थोड़ा सा सोना है क्योंकि आजकल तो घर में बंदी है पूरा और बेकरी में तो काम नहीं है। तो लंच, घर का काम और सोना, लूडो खेलना, ये सब टीवी देखना, ये सब काम। तो ये चिकन कैसा हुआ है दिखाती हूँ। देखिए चिकन का कलर कितना अच्छा आया है, और जो बंगाली में हम लोग कहते हैं ना मांसे झोल, तो इस तरह हो गया है। तो अभी हम लंच करेंगे और अभी कोई भी वीडियो शूट नहीं करूँगी तो शाम के टाइम में करूँगी। अभी सिर्फ शांति से लंच करना है, कोई भी वीडियो नहीं। शाम के 5 o'clock हुआ है और लंच करने के बाद थोड़ा सा सो गई थी मैं, और उठने के बाद थोड़ा सा, मेरा बेटा तो घर में अकेले है तो इसीलिए उसके साथ खेल रही थी और घूम रही थी बाहर। किसी का घर का दरवाज़ा भी खुला नहीं है, सब सुना सुना लग रहा है। बात धीरे धीरे बात करो ना कि चीज का कर। और एक साउंड भी बहुत कम है बाहर। तो अभी हम लोग माँ बेटे दोनों कैच कैच खेल रहे हैं, तो किसका बॉल नीचे गिरता है 10 बार, 10 बार, 20 बार, 20 बार से कितना किसका नीचे गिरता है बॉल देखिए। चार पाँच छ सात आठ ये अभी चार हुआ,
सात आठ दस कौन जीता कौन जीता। तो चलिए अभी चाय पियेंगे घर के अंदर, और थोड़ा सा काम भी है अभी घर के अंदर। आप बाबा चलो के साथ हम लोग एंजॉय करेंगे, और आज का ये वीडियो अभी एंड करूंगी क्योंकि ये जो कपड़ा धोया था आज, ये सब कपड़ा ऑर्गेनाइज करके रखना है मुझे। और इसके अंदर ये जो सोफा, इसके अंदर बहुत सारे कपड़ा है, ये ठीक ठाक से ऑर्गेनाइज करके मुझे अलमीरा में रखना है क्योंकि मेरे पास अभी काफी टाइम है, और फिर से शटडाउन उठ जाएगा तो बेकरी का काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर से टाइम नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी टाइम मिलता है थोड़ा सा घर का जो कपड़ा वपड़ा है आयरन करना, जो घर का बहुत सारे चीज इधर उधर करके रख देती हूँ ना जब भी बिजी रहती हूँ, तो ऑर्गेनाइज करके रखना है अभी। और थोड़ा सा लूडो खेलेंगे, और रात को डिनर में तो रोटी और चिकन है, तीनों खा लेंगे। और चलिए गाइस आज अभी हम लोग चाय के साथ थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय बाय।